हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं शिमलौए की सब्जी। इसको सिंबल भी बोलते हैं और शिमलौए भी बोलते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने ये शिमलौए ले लिए हैं, तो ये मार्केट में ही इस तरह से कटे हुए मिलते हैं। तो ये इस तरह से कटे हुए मिलते हैं, तो हम इसको काट कर और इस तरह से इसके दो टुकड़े कर देंगे। इसका ये निकाल देना है ऊपर का हिस्सा और इसके दो टुकड़े कर देंगे। तो ऐसे ही हम सारे शिमलौए काट लेते हैं। तो ये शिमलौए को हमने काट कर ले लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। आधा गिलास पानी और थोड़ी सी डाल देंगे इसमें हल्दी। और अब इसे उबलने के लिए रख देंगे। तो इसे हम 2-3 मिनट के लिए उबाल लेंगे, तो थोड़ा सा ये नरम हो जाएगा। तो हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच सरसों का तेल। तो हमने सरसों का तेल डाल दिया है। तेल गरम हो गया है तो इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे और 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, धनिया, 2 चम्मच धनिया डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। और 1/2 चम्मच डाल देंगे हम इसमें अमचूर पाउडर। तो शिमलौए को उबलते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं, तो अब इन्हें भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो हम इसका पानी नहीं डालेंगे, केवल शिमलौए को हम इस तरह से डाल देंगे कलछी से। और इसका पानी ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। और अब इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे।
इसमें धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही डाला जाता है क्योंकि इसकी सब्ज़ी जो है वो अचार की तरह खाई जाती है और लगती हुई वो अचार जैसी ही है। तो अब इसे हम ढक देंगे और लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, तो सब्जी भी हमारी अच्छे से गल गई है। तो सब्जी बनकर तैयार हो गई है, तो अब इसको हम सर्व करेंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती है, और ये हम 8-10 दिन तक फ्रिज में रख कर खा सकते हैं, ख़राब भी नहीं होती है ये सब्ज़ी। तो गाइज़ हमारी सिमलोए की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है, और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और इसका लाभ लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदेमंद होते हैं। और रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।